जय हिंद दोस्तों, मैं शंभु नाइमा आपका हमारे चैनल होटी मंत्र में स्वागत करता हूँ। आज हम लेकर आए हैं एमसीक्यूएस की सीरीज़ में एमसीक्यूएस ऑन ब्लैक पेपर। आज हम ब्लैक पेपर के विभिन्न एमसीक्यूएस पर चर्चा करेंगे। कई लोगों की रिक्वेस्ट थी कि सर स्पाइस एंड कॉन्डिमेंट पर आप वीडियो बनाइए एमसीक्यूएस का, तो उसी के लिए मैंने आज जो वीडियो तैयार किया है वो तैयार की है एमसीक्यूएस ऑन ब्लैक पेपर। तो सबसे पहले देख लेते हैं जो ब्लैक पेपर है उसका बोटनिकल नेम क्या होता है। तो उसका जो बोटनिकल नेम होता है वो होता है पेपर नाइग्रम। का जो बोटनिकल नेम होता है वो पेपर नाइग्रम होता है, और इसकी जो फैमिली होती है वो होती है पाइपरेसिस की फैमिली से ये बिलोंग करता है। तो सबसे पहले चलते हैं इसके फर्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पाइस इज नोन एज किंग ऑफ स्पाइस। निम्नलिखित में से कौन सा मसालों का राजा कहलाता है? ऑप्शन ए है वनीला, ऑप्शन बी है स्मॉल कार्डमम, ऑप्शन सी है ब्लैक पेपर, या ऑप्शन डी है क्लोव या जिसको लौंग भी कहा जाता है। तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट है वनीला, दूसरा है छोटी इलायची, तीसरा है काली मिर्च, या जो चौथा है वो लौंग। तो हमारा जो किंग ऑफ स्पाइस के नाम से जाना जाता है वो कौन जाना जाता है? ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर को ही किंग ऑफ स्पाइस के नाम से जाना जाता है। अगर क्वीन ऑफ स्पाइसेस की बात करें तो क्वीन ऑफ स्पाइसेस हमारी कार्डेमम। कार्डेमम को मसालों की रानी कहा जाता है, जबकि जो ब्लैक पेपर है उसको मसालों का राजा कहा जाता है। अगला प्रश्न आता है द बीटिंग टेस्ट ऑफ ब्लैक पेपर इज बिकॉज ऑफ। जो बीटिंग टेस्ट है, जो तीखापन है या जो चरपराहट है, वो ब्लैक पेपर में किसके उपस्थिति के कारण होती है या किसके कारण से होती है? ऑप्शन है टर्पेनाइन, ऑप्शन बी है पेपरिन, ऑप्शन सी है पेपरमेंथेन, या ऑप्शन डी है पेंटानोल। तो जो ब्लैक पेपर में जो बीटिंग टेस्ट या कड़वापन या तीखापन जो होता है वो होता है पीपेरिन के कारण। जो पीपेरिन है उसमें कंपाउंड पाया जाता है, उसके कारण इसमें तीखापन पाया जाता है। अगला प्रश्न आता है द लीडिंग स्टेट इन प्रोडक्शन ऑफ ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर का भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए है कर्नाटका, ऑप्शन बी है केरला, ऑप्शन सी है तमिलनाडु, या ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। तो जो ब्लैक पेपर का जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करने वाला स्टेट है वो है कर्नाटका। 2020-21 के डाटा के अनुसार जो कर्नाटका है वो सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, उसके बाद करता है केरला, और तीसरे नंबर पर आता है तमिलनाडु। सबसे ज़्यादा उत्पादन अगर ब्लैक पेपर का कोई राज्य करता है तो वो करता है कर्नाटका। सेकेंड नंबर पर केरला आता है और थर्ड नंबर पर आता है तमिलनाडु। अगला प्रश्न आता है ब्लैक पेपर स्टार्ट बियरिंग। ब्लैक पेपर में जो प्लांटिंग के कितने साल बाद उसमें जो फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाती है? ऑप्शन है फर्स्ट ईयर ऑनवर्ड, ऑप्शन बी सेकेंड ईयर ऑनवर्ड, थर्ड है सी है थर्ड ईयर ऑनवर्ड, और जो डी है फोर्थ ईयर ऑनवर्ड। मतलब उसमें 3 वर्ष बाद उसमें फल चालू होगा, या 1 वर्ष बाद फल चालू होगा, या 4 वर्ष बाद फल चालू होगा। तो जो ब्लैक पेपर में जो फ्लोरिंग है या फ्रूटिंग है वो स्टार्ट हो जाती है थर्ड ईयर ऑनवर्ड, तीसरे साल से उसमें फ्रूटिंग चालू हो जाती है। अगला प्रश्न आता है द परसेंटेज रिकवरी ऑफ ब्लैक पेपर इज अबाउट फ्रॉम द राइप पेपर। जो पेपर की जो बेरीज है उसको तोड़ने के बाद अगर उसको सुखाया जाए तो कितने प्रतिशत तक उसमें काली मिर्च में प्राप्त हो जाती है? ऑप्शन है 10%, ऑप्शन बी है 23%, ऑप्शन सी है 48%, या ऑप्शन डी है 33%। तो जो ऑयल जो रिकवरी है ब्लैक पेपर की जो राइप बेरीज है उनको तोड़ने के बाद वो होती है 33% तक उसमें ब्लैक पेपर प्राप्त हो जाती है। जो ग्रीन बेरी है या जो रेड बेरी है जो हार्वेस्टिंग करते हैं बेरीज की, उनको तोड़ाई के बाद अगर सूखा जाता है तो उसमें 33% तक हमें ब्लैक पेपर प्राप्त हो जाती है। अगला प्रश्न है फ्रूटिंग ब्रांचेस ऑफ ब्लैक पेपर इज नोन एज। फ्रूटिंग ब्रांच है जो ब्लैक पेपर की उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन है आर्थोट्रॉप्स, ऑप्शन बी है जियोट्रॉप्स, ऑप्शन सी है प्लेजियोट्रॉप्स, या ऑप्शन डी है रनर्स। तो जो फ्रूटिंग ब्रांचेस है उनको कहा जाता है प्लेजियोट्रॉप्स, उनको प्लेजियोट्रॉप्स के नाम से जाना जाता है जो फ्रूटिंग ब्रांचेस है उनको। अगला प्रश्न होता है ब्लैक पेपर इज प्रोपोगेटेड बाय। ब्लैक पेपर का प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? तो ऑप्शन है सीड, ऑप्शन बी है लीफ कटिंग, ऑप्शन सी शूट कटिंग, या ऑप्शन डी है रूट कटिंग। तो कमर्शियली प्रोपोगेशन की बात की जाए तो उसका जो प्रोपोगेशन होता है वो होता है शूट कटिंग के द्वारा। जो शूट कटिंग के द्वारा उसमें प्रोपोगेशन होता है, और जो शूट भी जो रनर शूट है वहाँ से इसको लिया जाता है। जो रनर शूट है वहाँ से
इसका जो प्रोपोगेशन पार्ट है वो लिया जाता है। अगला प्रश्न आता है द फ्रूट टाइप ऑफ ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर का जो फ्रूट टाइप है उसको क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है कैप्सूल, ऑप्शन बी है सिंगल सीडेड बेरी, ऑप्शन सी है डबल सीडेड बेरी, या ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो जो फ्रूट टाइप है ब्लैक पेपर का वो कौन सा है, तो वो होता है सिंगल सीडेड बेरी। ब्लैक पेपर का जो फ्रूट टाइप है वो होता है सिंगल सीडेड बेरी। अगला प्रश्न आता है इन्फ्लोरेसेंस टाइप ऑफ ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर में इन्फ्लोरेसेंस किस प्रकार का पाया जाता है। ऑप्शन है कैटकिन, ऑप्शन बी है स्पेडेक्स, ऑप्शन सी है अम्बर, या ऑप्शन डी है रेसेमोस। तो जो ब्लैक पेपर का जो इन्फ्लोरेसेंस होता है वो होता है कैटकिन प्रकार का। इन ब्लैक पेपर का जो इन्फ्लोरेसेंस होता है वो होता है कैटकिन प्रकार का। किसी भी प्रश्न में आपको कुछ त्रुटि लगे तो कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इसी तरह के वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न आता है पोलिनेशन ऑफ ब्लैक पेपर इज नोन एज। जो पोलिनेशन होता है ब्लैक पेपर को वो का वो किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है अलोगेमी, ऑप्शन बी है गाइटोनोगेमी, ऑप्शन सी है प्रोटोगाइनी, या ऑप्शन डी है बोथ ए एंड सी। तो जो पोलिनेशन होता है ब्लैक पेपर का वो किस नाम से जाना जाता है, वो जाना जाता है गाइटोनोगेमी। गाइटोनोगेमी प्रकार का इसमें पोलिनेशन होता है। और ये किस प्रकार का पोलिनेशन है, तो यह पोलिनेशन है हाइड्रोफिली, मतलब ये पोलिनेशन होता है जल के द्वारा। जल के द्वारा मतलब जो वर्षा की बूंदे हैं और जो ओस की बूंदे हैं उनमें इसके जो पोलन है वो घुल के इसमें एंथेसिस होता है, इसी कारण इसको गाइटोगेमी कहा जाता है। इसमें जो पोलिनेशन होता है वो वाटर ड्रॉप और जो ओस की बूंदे हैं उनके द्वारा होता है, इसलिए इसको हाइड्रोफिली पोलिनेशन कहा जाता है। अगला प्रश्न आता है लिटिल लीफ ऑफ ब्लैक पेपर इज ड्यू टू डिफिशियंसी। ऑफ ब्लैक पेपर में जो लिटिल लीफ होती है वो किसकी डिफिशियंसी के कारण होती है। ऑप्शन ए है नाइट्रोजन, ऑप्शन बी है कॉपर, ऑप्शन सी है जिंक, या ऑप्शन डी है आर ऑफ दिस। तो जो ब्लैक पेपर में लिटिल लीफ होता है वो मेनली किसके द्वारा होता है, वो होता है जिंक डिफिशियंसी के कारण। अगला प्रश्न आता है ब्लैक पेपर स्पाइक शेडिंग इज मैक्सिमम इन मंथ। तो ब्लैक पेपर में स्पाइक शेडिंग जो होता है वो मैक्सिमम कौन से महीने में होता है। ऑप्शन है मई में, ऑप्शन बी है जून, ऑप्शन सी है जनवरी, या ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो जो सबसे ज़्यादा स्पाइक शेडिंग होता है वो होता है जून मंथ में। जो सबसे ज़्यादा स्पाइक शेडिंग होता है वो होता है जून के मंथ में, और सबसे कम स्पाइक शेडिंग की बात करें मिनिमम स्पाइक शेडिंग तो वो होता है मई में, और मैक्सिमम होता है जून में। स्पाइक शेडिंग के कारण जो यील्ड लॉस हो जाता है वो लॉस हो जाता है लगभग 40% तक उसमें यील्ड लॉस हो जाता है। किसके द्वारा, स्पाइस सेडिंग के द्वारा जो यील्ड का लॉस होता है वो 40% तक हो जाता है। 40% तक इसमें स्पाइस सेडिंग के कारण यील्ड लॉस हो जाता है। अगले प्रश्न की बात करें तो जनरल डोज ऑफ एनपीके फॉर ब्लैक पेपर इज ग्राम पर वाइन। मतलब जो एनपीके का डोज होना चाहिए वो पर वाइन या पर प्रति जो प्लांट है उसके लिए कितना होना चाहिए पर प्लांट पर ईयर। तो ऑप्शन ए है 120x120, ऑप्शन बी 50x25, ऑप्शन सी है 140x140, या ऑप्शन डी है 140x140। तो जो एनपीके का जो डोज जनरल डोज है ब्लैक पेपर के लिए वो होता है 140x140, मतलब 100 ग्राम नाइट्रोजन, 40 ग्राम फास्फोरस और 140 ग्राम पोटास इसमें इसके लिए रिक्वायर है पर वाइन पर ईयर। और इसमें जो मेनली सबसे ज़्यादा जो फर्टिलाइज़र लगता है वो लगता है नाइट्रोजन और के की, इसमें ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है नाइट्रोजन और पोटास की रिक्वायरमेंट इसके लिए ब्लैक पेपर के लिए ज़्यादा होती है। तो हमारा जो सी ऑप्शन है वो सही है। अगला प्रश्न आता है पिन हेड इज ग्रेड ऑफ। पिन हेड कौन सी क्रॉप का ग्रेड है। ऑप्शन ए है क्लोव, ऑप्शन बी है कार्डेमम, ऑप्शन सी है वनीला, या ऑप्शन डी है ब्लैक पेपर। तो जो पीन हेड ग्रेड है वो किसका है, तो पीन हेड ग्रेड है हमारा ब्लैक पेपर का। इसके और ग्रेड होते हैं मालाबार ग्रेड, मालाबार ग्रेबल, इस ये भी इसके ग्रेड होते हैं। तो जो पीन हेड है ये अनराइप जो बेरीज है उसका जो ग्रेड होता है वो होता है पीन हेड। अगर आप इसी तरह के वीडियो और इसी तरह के नोट्स प्राप्त करने चाहते हैं तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है डेली एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर क्विज बाय हॉर्टी मंत्र, उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जहां हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर के डेली क्विज भी प्राप्त होते रहते हैं।
अगला प्रश्न आता है सेफ मॉइस्चर लिमिट फॉर स्टोरेज ऑफ ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर के लिए स्टोरेज के लिए जो मॉइस्चर कंटेंट है वो कितना होना चाहिए, सेफ स्टोरेज के लिए जो मॉइस्चर कंटेंट है वो कितना होना चाहिए। ऑप्शन है 25%, ऑप्शन बी है 10%, ऑप्शन सी है 15%, या ऑप्शन डी है 2%। तो जो मॉइस्चर लिमिट होती है सेफ स्टोरेज के लिए वो होनी चाहिए उसमें 10%, 10% तक उसमें मॉइस्चर सेफ स्टोरेज के लिए होना चाहिए। अगर 10% से ज़्यादा या 10 से 12% से ज़्यादा अगर उसमें मॉइस्चर होता है तो स्टोरेज में उसमें प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट प्रश्न आता है ड्राई रिकवरी ऑफ वाइट पेपर। वाइट पेपर की ड्राई रिकवरी कितनी होती है, जैसे ब्लैक पेपर की जो रिकवरी थी वो 33% थी, जो ब्लैक पेपर की जो रिकवरी थी वो कितनी थी 33%, तो इसी प्रकार से जो वाइट पेपर है उसकी ड्राई रिकवरी कितनी होती है। ऑप्शन ए है 25%, ऑप्शन बी है 10%, ऑप्शन सी 33%, या ऑप्शन डी है 20%। तो जो 33% तो है वो है हमारे ब्लैक पेपर की, तो जो वाइट पेपर की जो ड्राई रिकवरी होती है वो होती है 25%। जो वाइट पेपर है उसकी जो ड्राई रिकवरी होती है ग्रीन बेरी या रेड बेरी इसको तोड़ने के बाद हार्वेस्टिंग के बाद अगर उसको वाइट पेपर बनाना है तो जो ड्राई रिकवरी होती है वो होती है 25%। अगला प्रश्न था स्पाइक शेडिंग ऑफ ब्लैक पेपर इज ड्यू टू, स्पाइक शेडिंग ब्लैक पेपर में किसके कारण से होता है, किसके कारण से होता है। ऑप्शन ए है पोलू फंगल, ऑप्शन बी लो सॉइल मॉइस्चर, ऑप्शन सी है लो एन एंड के, या ऑप्शन डी है ऑल ऑफ एबो। तो जो स्पाइक शेडिंग है ब्लैक पेपर में होता है इन सभी कारणों से। अगर पोलू फंगस लग जाएगा तो भी स्पाइक शेडिंग हो जाएगा, लो सॉइल मॉइस्चर होगा तो भी स्पाइक शेडिंग हो जाएगा, और अगर जो शूट है उसमें नाइट्रोजन और पोटास का अगर कंटेंट कम है तो भी उसमें स्पाइक शेडिंग हो जाता है। तो इसीलिए जो ब्लैक पेपर है उसमें नाइट्रोजन और पोटास की आवश्यकता ज़्यादा होती है, नाइट्रोजन और पोटास की ज़्यादा आवश्यकता होती है। किसी भी प्रश्न में त्रुटि लगे तो कृपया करके जरूर बताएं। धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।